हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। घर में आ जाए बहुत बड़ा सा एक कटहल तो फैमिली मेम्बर ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 पीस खाते हैं। कोई कोई तो और भी बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, तो बच जाते हैं बहुत सारा कटहल, तो क्या करें समझ में नहीं आते। और हद तो तब होते हैं अगर मिल जाए एक बड़ा सा कटहल के अंदर पिलपिला नरम सा कटहल, तो क्या करें उस पिलपिले कटहल को बिना फेंके। आज मैं इस रेसिपी में बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कटहल लिया है थोड़ा सा, तो जिससे मैंने बीज को निकाल के एकदम साफ कर लिया है और इसे मैं ग्राइंड कर ले रही हूँ। और तो यहाँ पे आप देख रहे हो एकदम प्योर, एकदम प्यूरी बन चुके हैं कटहल का, यानी कि जैक फ्रूट। यहाँ पे पेस्ट हमने कर लिया है, तो इसी से हम बनाएंगे आज का रेसिपी। तो यहाँ पे कटहल का जो एक महक होता है तो बहुत लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन इस रेसिपी में ना वो महक नहीं आते हैं, एकदम अजीब सा और बहुत टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल में उतार ले रही हूँ, और ये कटहल जानते ही हो आप बहुत चिपचिपा होते हैं, तो यहाँ पर निकाल लिया है। तो यहाँ पर मैंने 3 कप चीनी डाल रही हूँ, कटहल बहुत मीठा अपने ही होते हैं। 3 कप चीनी मैंने डाल दिया है और चीनी को मिक्स कर ले रही हूँ। तो चीनी को मिक्स करने से कटहल के साथ चीनी मेल्ट होते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गेहूँ का आटा, गेहूँ के आटा मैं ले रही हूँ 3 कप। 3 कप चीनी लेना है और 3 कप गेहूँ का आटा लेना है। तो गेहूँ के आटा से बनाएंगे जब ये हेल्दी तो बनेंगे ही, और ये बिना फेंके हम यूज़ कर सकते हैं एक टेस्टी सा रेसिपी के रूप में। तो आखिरी तक देखिए क्या बन रहा है इसे जानने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मिक्स्ड, इतना अच्छे से करना है। तो यहाँ पे मिक्स्ड करने के बाद आप देख रहे हो तो यहाँ पे स्पून से अभी भी गिर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप डाल दिया था 1 कप के बराबर, और मैंने ऐड कर दिया टोटल। यहाँ पे मैंने आटा 3 कप दिया। अब 3 कप आटा यहाँ पे हो चुके हैं, इतना अच्छे से मिक्स यहाँ पे करना है ताकि ये फूला फूला सा होने लगे, एकदम फ्लफी फ्लफी होने लगे। तो यहाँ पे हो चुके हैं, ये आप देख के समझ नहीं रहे हो, मैं हाथ से पकड़ के दिखा रही हूँ। ये है कोकोनट, ड्राई कोकोनट यहाँ पे मैंने ग्रेट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून डाल रही हूँ, और यहाँ पे 1 चुटकी नमक। नमक मीठे चीज में डालना 1 चुटकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो मीठा बैलेंस होते हैं, नहीं तो ना कुछ कमी लगते हैं। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखना। तो मिक्स्ड कर ले रही हूँ बहुत ही अच्छे से, जैसे हम लोग केक बनाते हैं ना, तो उससे बैटर को मिक्स्ड बहुत अच्छे से करना है, उतना अच्छे से यहाँ पे मिक्स्ड करना है। और इस बैटर का कंसिस्टेंसी क्या है आपको मैं दिखा रही हूँ, ये स्पून से गिरेंगे नहीं, यही इस रेसिपी में खास है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कढ़ाई और डाल रही हूँ 0.5 लीटर रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पे तेल अभी बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुके हैं, तो हाथ में थोड़ा सा गोल गोल जितना बन सके, तो अब इस तरीके से छोड़ते जाना है। तो ये एकदम परफेक्ट शेप में गोल आकार के नहीं आएंगे, तो इस तरीके से, क्योंकि कटहल चिपचिपा है तो थोड़ा सा हाथों में चिपकते भी है, तो गैस को स्लो फ्लेम में करते हुए छोड़े, नहीं तो जो पहले छोड़ देंगे वो जलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक स्पून से ही अलट पलट के लूँगी, क्योंकि यहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिया है, तो अलट पलटने के जाओ तो चिपकने लगते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही एक बार अलट पलट लिया है, तो अब यहाँ पे छन्नी हो कोई भी चम्मच हो आराम से अलट पलट जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होते हैं। तो इस तरीके से पहले तो गैस को मीडियम फ्लेम में रखना है, और अब इस टाइम पे जाके गैस को स्लो कर देना है, बिल्कुल ही स्लो कर देंगे, अंदर तक एकदम पक जाएंगे, कच्चापन नहीं रहेंगे। और अगर स्लो फ्लेम में नहीं किया जाए, हाई फ्लेम में कर देंगे, तो वो ऊपर से तो कलर आ जाएंगे, लेकिन अंदर से वो कच्चा फ्लेवर रह जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा इसमें ज़्यादा कलर, डार्क कलर कर रही हूँ, तो यहाँ पे हो चुके हैं। तो छन्नी में उठा के तेल झड़ा के साइड में रख ले रही हूँ, यहाँ पे हो गए हैं। इसी तरीके से फिर से दोबारा करूँगी। तो बस इतना याद रखना है, जब पहले कढ़ाई में डालना है तो फ्लेम को एकदम धीमी कर देना है, नहीं तो जो डालते जाएंगे वो चिपकने का डर रहते हैं, क्योंकि ये हाथों से छुड़ाने में बड़ा टाइम लगते हैं, क्योंकि कटहल चिपचिपा है इसीलिए। तो यहाँ पे 1-2 बार अलट पलट के दे रही हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे डालने में हल्का सा देरी हुआ, तो 1-2 जलना भी शुरू हो चुके थे, तो इसमें भी अलट पलट के फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे जो पहले डाले थे उसे मैं उठा ले रही हूँ, साइड कर ले रही हूँ, तो इसमें ये भी हो चुके हैं। तो जो थोड़ा सा हल्का बाकी है उसे 1 से 2 मिनट तक और धीमे आँच में फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारा हो चुके, अब सर्विंग प्लेट में मैं सर्व करके दिखा रही हूँ। तो बन गए ना कटहल का गुलगुला,
और इसमें जो थोड़ा सा हमने नारियल डाला है उसका टेस्ट जो मुंह में आते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये पके हुए कटहल के गुलगुला की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। अगर पसंद आए हैं तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है और मैं बहुत ज़्यादा खुश होकर अगले वीडियो बनाती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रेसिपी में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।